पानी भरा हुआ है। अयोध्या ही नहीं वाराणसी में भी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। वाराणसी की नवग्रह वाटिका भी इससे नहीं बची। कुछ दिनों पहले पीएम ने इसी वाटिका में पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया था, लेकिन बारिश ने सब पर पानी फेर दिया। और प्रशासन की बदइंतजामी की वजह से किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर गया। अमेठी में सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बारिश की भेंट चढ़ गई और खेतों में भी पानी भरने लगा। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं होने की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। खेतों से लेकर नालियों तक जो नाले हैं, तालाब हैं, वो भर चुके हैं। लिहाजा मौसम चूंकि अब आ चुका है और चूंकि अलर्ट है, जिसको लेकर 19 जिले यूपी के 19 जिलों में बाढ़ का अलर्ट भी किया गया। उसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महोबा, बुंदेलखंड के कुछ इलाके शामिल हैं, कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर। निश्चित तौर पर ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बनकर आने वाली है। बारिश ने कानपुर की भी तस्वीर बिगाड़ दी। इतना पानी तो नहीं भरा कि कानपुर की रफ्तार थम जाए, लेकिन जरा सी बारिश ने ही नगर निगम के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो भारी से भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में कुछ देर की बारिश से ये हाल है तो आगे कानपुर का क्या हाल होगा, ये सोचकर ही लोग डरे हुए हैं। क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमान के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भारी बारिश और बाढ़ का खतरा अब भी बरकरार। 12 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के मुताबिक गंगा, यमुना, बेतवा, गोमती, गंडक और घाघरा नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत भारी बारिश के बाद ये नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहर बरपा सकती हैं। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तरकाशी, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में तो इस चेतावनी का असर भी देखने को मिला। और पिथौरागढ़ में तो एक पहाड़ का हिस्सा गिरने से लोग काफी डर गए। ऋषिकेश में उफान पर बह रही एक नदी ने जमकर कहर बरपाया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई और उत्तराखंड में इसी तरह आफत के बादल बरसते रहे तो नदी का पानी घाट की सीढ़ियों को भी पार कर जाएगा, और ऐसा हुआ तो ऋषिकेश में बाढ़ आ सकती है। बारिश ने बिहार की भी मुश्किल बढ़ा दी। पटना को राघवपुर से जोड़ने वाला एक पुल गंगा नदी में बह गया, जिसके बाद लोगों को नाव की मदद से उफनती नदी को पार करना पड़ा, जो काफी जोखिम भरा था क्योंकि गंगा नदी उफान पर थी। ये हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि नदी पर बना पॉन्टून पुल जलस्तर बढ़ने से बह गया। राघोपुर से राजधानी पटना को जोड़ने वाली पीपा पुल गंगा की तेज धार में बह गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक तरफ राघोपुर दियारा इलाका है तो दूसरी तरफ कच्ची दरगाह। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं गंगा की तेज धार में यह पीपा पुल बह गया है। हालांकि एक गाड़ी भी अभी ऊपर में पड़ी हुई है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसको निकालने की कोशिश जरूर की गई लेकिन अभी तक यह गाड़ी बाहर नहीं आ पाई है। गंगा नदी में पॉन्टून पुल का बहना खतरे की घंटी है। गंगा नदी उफान पर होने की वजह से आसपास के सैकड़ों गांवों में दहशत का माहौल है। ऊपर से बादल भी जमकर बरस रहे हैं। दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भी बारिश से नहीं बचा। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों की मुश्किल बढ़ गई। इलाज के लिए अस्पताल जाने वाले लोगों को पानी की मुसीबत का सामना करना पड़ा। रिहायशी इलाकों में भी बारिश का जबरदस्त असर देखने को मिला। लोगों के घरों में पानी भर गया। बिहार में आफत की बारिश ही सितम नहीं ढा रही, नेपाल भी लगातार कोसी नदी में पानी छोड़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ के आगे असम के लोग भी बेबस दिखे। असम के लखीमपुर, धेमाजी और चिरांग समेत 5 जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मची। इन जिलों में बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा और रातों रात हजारों लोग बेघर हो गए, कुछ नहीं बचा। गांव के गांव बाढ़ में डूब गए। एक परिवार को तो बाढ़ में बेघर होने के बाद राहत शिविरों में शरण लेने के लिए जाते हुए देखा गया। ऐसे ही न जाने कितने परिवार अब तक तहस नहस हो चुके हैं। बाढ़ ने असम को झकझोर कर रख दिया। कुछ लोग तो इतने बदकिस्मत रहे कि उन्हें राहत शिविरों में जाने का भी वक्त नहीं मिला। ये लोग घंटों बस इसी इंतजार में बैठे रहे कि कब उन तक भी सरकार की मदद पहुंचेगी। जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का बाढ़ का हालत है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, अभी तक बहुत खराब है। और जो एक बार फिर देखना चाहता हूँ, मैं नदी के अंदर जो गांव है, गांव में ढेर सारा फैमिली अभी तक फंसे हुए हैं और उनमें भी बच्चा भी है, उनमें महिलाएं भी हैं। प्रशासन ने कैसे उन लोगों का बाहर निकलेगा, अभी तक ये सवाल का कोई उत्तर नहीं है। असम के दूर दराज के इलाकों में भी जाकर हमने बाढ़ के असर वाले इलाके की खबर ली। जो हालात सामने आए वो असम के दर्द को बयां करने के लिए काफी थे। रंगा नदी में आई बाढ़ से हालात खराब रहे।
बंद पड़े मकानों में लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई। असम का लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का बाढ़ का हालत अभी तक बहुत खराब है। बहुत आदमी नदी के अंदर जो गांव है, गांव में फंसे हुए हैं और अभी तक उस घर में जो घर हम लोग देखा रहे हैं, अभी तक घर का अंदर बहुत लोग फंसे हुए हैं। अभी तक प्रशासन ने उन लोगों का उद्धार के लिए कुछ नहीं कर पाया और सरकार लोगों को सुरक्षित जगहों पर लगातार पहुँचाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि ये काम आसान नहीं है क्योंकि बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट चुका है और गोलाघाट में तो हालात इतने खराब हैं कि पिछले 3-4 दिनों से लोग भूखे प्यासे फंसे हैं। सैलाब में बह न जाएं या फिर दूसरी मुसीबत पहाड़ बनकर टूटना पड़े, इसके लिए गांव के लोगों को झुंड बनाकर दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ते हुए देखा गया। इलाके में बाढ़ से हालात काफी खराब रहे। ऐसा मंजर दिखा जैसे चारों तरफ से नदियां बह रही हों। गोलाघाट में 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ का असर है। लोगों को बाढ़ से राहत जल्द मिल जाएगी इसकी भी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने असम को लाल झंडी दिखाई हुई है, मतलब रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बाढ़ की इस बर्बादी के बीच असम के गोहपुर के एक गांव में शादी समारोह हुआ। इस दौरान दुल्हन को उसकी माँ अपनी पीठ पर लाद कर इधर उधर ले जाते हुए दिखी। ये शादी घुटनों तक पानी में हुई, पूरे पंडाल में पानी भरा नजर आया। विदाई के दौरान भी दुल्हन का भाई उसे गोद में लेकर बाहर जाते हुए दिखाई दिया। बाढ़ के बीच हुई इस शादी के मंजर ने कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। पड़ोसी देश भूटान से लगे कोकराझार जिले में भी हालात काफी खराब है और भूटान की बारिश का कोकराझार में जबरदस्त असर देखने को मिला। भूटान में लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो गई, जिससे नदी किनारे बने तटबंध यानी मिट्टी के टीले खिसकने लगे। तटबंध खिसकने से आसपास के गांव के लोग डरे हुए हैं क्योंकि तटबंध नहीं रहे तो नदी का ये पानी कई गांवों में घुस जाएगा और हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। बाढ़ से असम की राजधानी गुवाहाटी भी बेहाल है। रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक इलाके में पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई, नीचे कई मकान मलबे में भी दब गए। बाढ़ ने अरुणाचल प्रदेश की भी सूरत बिगाड़ कर रखी। राजधानी ईटानगर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई जबकि ईस्ट कामेंग जिले में भी बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया और उफान पर बह रही नदी में कई गांव डूब गए। सैकड़ों लोग उफान पर बह रही नदी के बीच फंस गए। एक इलाके में लोगों को बचाने के लिए नदी के ऊपर बांस की बल्लियों से पुल बनाया गया, फिर इसकी मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाने की कोशिश की गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाए। राजधानी ईटानगर में तो पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया, इससे कई इलाके एक दूसरे से कट गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अरुणाचल को फिलहाल आफत की बारिश से राहत नहीं मिलने वाली और ऐसी आशंका है कि अगले कुछ दिन पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए मुश्किल भरे रहेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम में भी भारी बारिश होगी। ऐसी भविष्यवाणी है कि 13 जुलाई तक इन राज्यों को आफत की बारिश से राहत नहीं मिलेगी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तो पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो इन इलाकों में हालात बेहद खराब हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में बारिश के बाद एक सरकारी स्कूल पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। स्कूल के मैदान में घुटनों तक बारिश का पानी भरने से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी भरने से स्कूल किसी टापू की तरह नजर आने लगा। स्कूल के अंदर भी घुटनों तक पानी भर गया जिसकी वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से यहां हर बार बारिश के बाद पानी भर जाता है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का भी काफी नुकसान होता है। अमेरिका में एक तरफ दक्षिण मध्य राज्यों में भारी बारिश ने जोरदार तबाही मचाई तो दूसरी ओर वहां के उत्तरी राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। मौसम की इस दोहरी मार ने वहां के लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी क्योंकि भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ का सबसे बुरा असर वर्जीनिया और नेब्रास्का पर पड़ा। नेब्रास्का के कई इलाकों में लोगों की गाड़ियां बाढ़ में फंस गईं, जिनमें एक कार